नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं द्वारकानाथ संतगिरी स्वर्धा प्रतिष्ठान की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। जनरली आई डू माई कॉम्पेरिंग इन मराठी, बट आई एम टोल्ड दैट नाउ वी हैव हियर कॉस्मोपोलिटन ऑडियंस, सो आई ट्राई टू डू इट इन हिंदी एंड इंग्लिश। मेरी हिंदी अमिताभ बच्चन जैसी नहीं है, आई मस्ट कन्फेस दिस। हाँ, संजय दत्त इतनी बुरी भी नहीं है, दैट आई कैन टेल यू, बट आई थिंक आई कैन मैनेज बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, एंड इफ रिक्वायर्ड आई विल आल्सो स्पीक इन मराठी। सात अजूबे, क्या हुआ? सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी, अगर ये गाना कहने का अधिकार किसको था तो वह शंकर जयकिशन को जरूर था, बिकॉज शंकर जयकिशन वॉज क्लास अपार्ट सो फार एज क्वालिटी इज कंसर्न, क्वान्टिटी इज कंसर्न एंड पॉपुलरिटी इज कंसर्न। ये दोनों इत्तफाक से मिले, शंकर और जयकिशन। जस्ट एक एनेक्डोट मैं बताता हूँ, गुजराती नाटककार थे चंद्रवदन भट्ट नाम के, उनके यहाँ एक हैंडसम लड़का बैठा था और शंकर उन्हें मिलने के लिए गया, क्योंकि शंकर को उन्होंने बुलाया था एक पिक्चर को म्यूजिक देने के लिए। तो भट्ट ने उनकी पहचान वो हैंडसम लड़के से कर दी और ये कहा भी कि ये लड़का गाना बजाना जानता है और अच्छी तरह से गाना बजाते हैं। तो शंकर ने उनसे पूछा कि आप क्या बजाते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं हारमोनियम बजाता हूँ। तो शंकर ने कहा कि हमारे पृथ्वी थिएटर में एक हारमोनियम वादक की जरूरत है, आप आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। जयकिशन ने कहा यस आई कैन ज्वाइन। उस दिन से इत्तफाक से ये जोड़ी बन गई, शंकर और जयकिशन, और जो दूरियां थी वो नजदीकियां बन गई। ऐसे ही एक गाना हम आपके सामने पेश करते हैं, दूरियां नजदीकियां बन गई, अजब हिट। शंकर जयकिशन करियर रियली स्काई रॉकेटेड, इनफैक्ट दे बिकेम किंग मेकर्स आई वुड से। व्हाई आई टेल यू, यू ऑल नो दैट राजेंद्र कुमार वॉज नोन एज गरीबों का दिलीप कुमार, एंड ही वॉज ऑल्सो नोन एज सिल्वर जुबली कुमार बिकॉज ही गेव लॉट्स ऑफ सिल्वर जुबली फिल्म्स, बट हु वॉज बिहाइंड दैट? शंकर जयकिशन म्यूजिक। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर दिलीप कुमार नहीं होते और शंकर जयकिशन नहीं होते तो राजेंद्र कुमार शायद खेती करता पंजाब में। देर वॉज अनदर एक्टर हु वॉज गरीबों का राजेंद्र कुमार एंड ही वॉज मनोज कुमार। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ही वॉज दिलीप कुमार ऑफ दोज हुर बिलो पॉवर्टी लाइन, लेकिन मनोज कुमार की करियर भी शंकर जयकिशन ने बनाई। आई टेल यू वन रियली गुड एनेक्डोट। जब मनोज कुमार को हरियाली और रास्ता का रोल चाहिए था तो प्रोड्यूसर वॉज महेश, प्रोड्यूसर वॉज विजय भट्ट। ही अप्रोच भट्ट एंड ही आस्क भट्ट फॉर द रोल। भट्ट ने उसे क्या बताया, हम आपको रोल देने के लिए तैयार है हीरो का, बट यू मस्ट गो एंड मीट जयकिशन एंड टेक हिज परमिशन, इफ ही एग्रीज देन वी एग्री। मनोज कुमार हैड टू गो टू गेलार्ड होटल, ही मेट जयकिशन देयर, इम्प्रेस्ड अपॉन जयकिशन दैट ही वुड बी अ गुड हीरो, एंड दैट इज हाउ ही साइन दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकेम हीरो ऑफ हरियाली और रास्ता। दैट इज वाई आई से दैट दे वर रियली किंग मेकर्स। और इस फिल्म ने मनोज कुमार को यश का रास्ता दिखाया, उनके जिंदगी में हरियाली लाई और उनकी तकदीर बदल ली। इसलिए हमने अगला जो गाना लिया वो है बोल मेरी तकदीर में क्या है। बड़े ना विनंती है कि त्यांनी कृपया आत्मने बैकस्टेज मध्ये आओ। शंकर्स फेवरेट इंस्ट्रूमेंट वॉज ऑफकोर्स तबला, तबला मानो उनका श्वास था, लेकिन वो पियानो, सतार, अकॉर्डियन, हारमोनियम, पखवाज और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। He gave up sitar because he became diabetic later on and doctor advised him not to play sitar. Dil ke jharokon mein gaane mein piano Shankar ji ne hi bajaya hai. Not only this, lekin wo kathak jante the, manipuri jante the, bharat natyam bhi sikhe the aur ye sab karte karte wo akhada mein kushti bhi ladte the. Unka Prithviraj Kapoor se milna bhi ek ittefaq tha. He had come to Mumbai, of course Bombay at that time, to earn his livelihood. और चौपाटी के आसपास दोस्तों को साथ लेके वहाँ वो गाना बजाने करते। एक दिन वैसे ही एक इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे थे और गाना बजाते थे, इतने में एक पॉश गाड़ी कार आई और वहाँ सिग्नल पर रुक गई। उस गाड़ी से सिग्नल हो जाने के बाद उस गाड़ी से एक ड्राइवर उतरा और उसने जाके शंकर जी से कहा कि आपको हमारे सेट बुला रहे हैं। शंकर वो सरप्राइज कि ये आदमी कौन हो सकता है। शंकर वेंट देयर एंड ही सॉ उनका जो बॉस था, ही वॉज पृथ्वीराज कपूर, एंड ऑफकोर्स ही न्यू पृथ्वीराज कपूर। तो पृथ्वीराज जी ने उन्हें कहा
कि आप तो बहुत अच्छा खासा बजाते हो, आपको जॉब चाहिए। इट वॉज अ जैकपॉट फॉर हिम। बोला जरूर, क्यों नहीं, तो कल पृथ्वी थिएटर आ जाना। शंकर वेंट टू पृथ्वी थिएटर एंड ही गॉट अ जॉब एज एन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट फॉर द पेमेंट ऑफ 75 rupees अ मंथ। एट दैट टाइम इट वॉज बिग मनी। और फिर वहाँ ही उन्हें, जैसे मैंने कहा कि जयकिशन मिले, फिर राज कपूर मिले, और शंकर जयकिशन बिकेम ए फॉर्मिटेबल पेयर अंडर राज कपूर, फिर शैलेंद्र, लता मंगेशकर, हसरत जयपुरी, ये पूरी टीम वहाँ बन गई। और एक जाते जाते एक ये टीम के बारे में कहूँगा, जब पहले बरसात का फर्स्ट गाना रिकॉर्ड हुआ, उसके बाद सुबह 3 बजे ये सब, मुकेश, शंकर, जयकिशन, लता मंगेशकर, नरगिस, राज कपूर, हसरत जयपुरी और शैलेंद्र फुटपाथ पे चाय पीने के लिए बैठे थे। आज भी जब मैं फेमस स्टूडियो के पास से जाता हूँ तो वो जो पूरा चित्र है वो मेरे सामने खड़ा रहते कि ये सब यंग होनहार, दे हैड ड्रीम इन देयर आईज कि कल चल के क्या होगा। दे ऑल बिकेम वेरी फेमस एंड रियली सक्सेसफुल। उन्होंने अपने हमारे दिल की तार छेड़ दी। ऐसा एक दिल की तार छेड़ने वाला गाना, असली नकली का, जहां देवानंद दिल की तार छेड़ता है। और हर एक गाने के रिकॉर्डिंग के बाद जयकिशन जी लता जी को एक बुके देते थे, और अगर शंकर उनके गाने पे खुश हुए तो उस वक्त 100 की नोट निकाल के उनको देते थे। ऐसे बहुत बार हुआ, क्योंकि लता मंगेशकर गाएगी तो अच्छी ही गाएगी। एंड देयर कॉम्बिनेशन हैज गिवन अस रेयर डायमंड्स। उसमें से एक गाना है रसिक बलमा, वो हम लोग ले नहीं रहे, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि उनके आवाज़ की और उनके उस गाने की क्या अहमियत है। वेरी वेरी, आई टेल यू वन एनेक्डोट, प्रोबेबली यू माइट हैव लिसन टू दिस और यू माइट हैव हर्ड दिस बिफोर। महबूब खान वॉज इल, ही हैड अ हार्ट अटैक एंड ही वॉज हॉस्पिटलाइज इन लंडन। एंड वन डे ही फेल्ट वेरी वेरी लो, हिज हार्ट बीट हैज इंक्रीज्ड, सो ही कॉल्ड नर्स एंड टोल्ड हर कि कैन यू डू वन फेवर। नर्स थॉट दैट ही वॉन्ट्स डॉक्टर, सो शी जस्ट रैन टू bring the doctor in. He stopped her and said, no, I don't want a doctor. Please book a call, a trunk call to Mumbai, Bombay at that time, to Lata Mangeshkar. This is the number. And he called Lata, aur Lata ko unhone kaha ki mujhe aaj Rasik Balma gana aapse sunna hai. Lata didi recording se aayi thi, thak gayi thi, phir bhi Lata didi ne unhe gana sunaya and he felt better. When doctor came and checked him, he found his heartbeats were normal. So Lata's voice or Lata's song are really medicinal, I would say. Nargis jaise kehti hai ki raja ki aayegi barat ke waqt, ye gana enact karte waqt camera ke samne khade hone ke baad mujhe kabhi bhi glycerin ki zarurat nahi padi, aankh se aansu aapko aap nikal aaye. Waisi haqeeqat Meena Kumari ke bare mein hai, jab Dilek Mandir ke liye unhone ye gana gaya tha, रुक जा रहा ठहर जा रहे चंदा, वो गाना आपके सामने पेश करना है।